महाराष्ट्र के सियासी संकट से आज तभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और लगातार कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नई सरकार पर निशाना लगातार साध रहा है विपक्ष। महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन को बचाने के लिए तीनों ही पार्टी के नेता तमाम कोशिशें कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये तक कह दिया कि यह सरकार 6 महीने तक नहीं चल पाएगी। वहीं एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस सरकार को लेकर ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन इसी बीच देखने को मिला कि अजीत पवार तमाम मुद्दों को लेकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए, एकनाथ शिंदे से भी वह अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि वह एकनाथ शिंदे को कॉल भी कर सकते हैं कई सामाजिक मुद्दों के चलते। जी हाँ, मानसून के दौरान देखने को मिला, भारी बारिश के दौरान देखने को मिला महाराष्ट्र की स्थिति क्या कुछ नजर आई। लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात तक किए। ऐसे में देखा जाए राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार के पहले मानसून सत्र के पहले 3 दिन तूफानी रहे और उस बीच देखने को मिला कि अजीत पवार मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए देखे गए। लगातार तमाम मुद्दों पर अपने गुस्से को उन्होंने जाहिर किया। वहीं विधानसभा में हाल ही में देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में करुणा शर्मा पर एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे के परोक्ष रूप से आलोचना की और वहीं दूसरी ही तरफ अजीत पवार ने उस पर विचार विमर्श भी किया मुख्यमंत्री से। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा कि विधानसभा में बोलते वक्त सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर विधायक धनंजय मुंडे ने बीते कल विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की और उसी के जवाब में एकनाथ शिंदे ने धनंजय मुंडे को चुनौती तक दे दी। एकनाथ शिंदे ने ये तक कह दिया, मैं आपकी पूरी यात्रा जानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार दया प्रेम करुणा दिखाई लेकिन इसे फिर नहीं दिखाया जा सकता और ऐसे में अब अजीत पवार एकनाथ शिंदे को लेकर अपनी बात रखते हुए भी देखे गए हैं। दरअसल आपको बता दें, अजीत पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सीधे तौर पर इसकी जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि आइए जागते हुए काम करें। कोई बोलता है, आमने सामने प्रतिक्रिया मिली जुली होती है, हर शब्द का उच्चारण होता है, लेकिन सभी कहते हैं कि उन्हें असीमित होना चाहिए। यहाँ पर अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को काफी कुछ बताया और एकनाथ शिंदे के सामने उन्होंने तमाम स्थितियों पर अपनी बात रखी। सत्तारूढ़ दल उनकी प्रस्तुत करता है रिपीट। वहीं उन्होंने ये तक कहा कि मेरी एक ही राय है कि किसी को भी व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की एक अलग संस्कृति और परंपरा है, महाराष्ट्र विधान मंडल के कार्य का एक मानक है और इस तरीके से अजीत पवार ने अपनी बात रखी। फिलहाल देखा जाए अजीत पवार मानसून सत्र रिपीट। फिलहाल देखा जाए अजीत पवार इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात तो रख रहे हैं लेकिन किसी ना किसी मुद्दे के चलते जब उन्हें कोई आदेश पसंद नहीं आता है तो वह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहीं कॉल करने के लिए भी। अब देखा जाए अजीत पवार जल्द से जल्द उन्हें किसी ना किसी मुद्दे को लेकर कॉल भी कर सकते हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ऐसे तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।